हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अवर चैनल। वी आर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। कल हम लोगों ने 2 सम देखा था, आज वो हम उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मिनिमम एफओबी प्राइस इन यूरो। मटेरियल कॉस्ट इज 1,40,000, लेबर कॉस्ट इज 60,000, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 8,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 2,000, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ऑन ऑफ एफ ओ बी, देन ड्रॉ बैक ऑफ ड्यूटी इज 5% ऑफ एफ ओ बी प्राइस। हमें फिर से एफ ओ बी प्राइस कैलकुलेट करना है इन रुपीज़, उसके बाद हमें जो है वो इसे यूरो में कन्वर्ट करना है। तो वी आर राइट फर्स्ट फार्मूला एफ ओ बी प्राइस का। हमें सबसे पहले फार्मूला कैलकुलेट करना है। एफ ओ बी प्राइस हमें कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ओ बी प्राइस प्लस डी बी के इज इक्वल टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें एफ ओ बी प्राइस कैलकुलेट करना है, सो वी अज्यूम, लेट वी अज्यूम एफ ओ बी प्राइस इज एक्स। एक्स हम उसे कंसिडर करेंगे फॉर्मूले में, हम पुट करेंगे एक्स प्लस डी बी के, देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में 5% ऑफ एफ ओ बी प्राइस। सो 5% ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ ओ बी कॉस्ट, आपके सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे जो दिए गए वो लिखेंगे, 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट जो कि हमें बोला है 20% ऑन एफ ओ बी कॉस्ट। हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम जो है वो 20% प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एक्स प्लस 5/100 तो हमें मिलेगा 0.05x इज इक्वल टू, सारे कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिए, 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, यानी टोटल कॉस्ट है हमारा 2,10,000। इसके ऊपर हम 20% का प्रॉफिट निकालेंगे इनटू 20%, तो 42,000 जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% हमें निकालना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 है एंड 0.05, तो 1 में हम प्लस करेंगे 0.05, तो मिलेगा हमें 1.05x इज इक्वल टू 2,10,000 प्लस 42,000, तो हमें मिलेगा 2,52,000। एक्स हमें यहीं पे रखना है, 2,52,000 को हम डिवाइड करेंगे 1.05 से, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, डिवाइड बाय 1.05 तो हमें मिला 2,40,000। देखिए आपके क्वेश्चन में एफ ओ बी प्राइस भी 2,40,000 है जो हमारा सोल्यूशन है, सो एक्स विल बी 2,40,000। एफ ओ बी प्राइस इन रुपीस 2,40,000। फिर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज इसका फॉर्मूला लिखें, एफ ओ बी प्राइस इन रुपीस डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। एफ ओ बी प्राइस इन रुपीस 2,40,000 है और एक्सचेंज रेट आपके क्वेश्चन में दिया गया है
इन यूरो 40 रुपीज़, यानी हम 40 से इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 40। सो 2,40,000 डिवाइड बाय 40 तो हमें मिलेगा 6,000, जो आपकी एफओबी प्राइस इन यूरो में 6,000 का अमाउंट है। सो अमाउंट आया 6,000, यही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको दिया गया है, कैलकुलेट द मिनिमम एफओबी प्राइस इन यूएसए डॉलर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक्स फैक्ट्री कॉस्ट इज 34,000, पैकिंग कॉस्ट इज 6,000, ट्रांसपोर्टेशन 3,000, लोडिंग चार्जेस 1,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट इज 10% ऑन एफओबी कॉस्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक इज 10% ऑन ऑफ एफओबी कॉस्ट, एक्सचेंज रेट इज 44 = $1। हमें सेम वापस से एफओबी प्राइस कैलकुलेट करना है और उसके डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला। एफ ओ बी प्राइस कैलकुलेट करना है, देन रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉर्मूला लिखेंगे हम, एफ ओ बी प्राइस प्लस डी बी के इज इक्वल टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेट वी अज्यूम एफ ओ बी प्राइस इज एक्स, एफ ओ बी प्राइस एक्स प्लस, क्वेश्चन में आपको डी बी के दिया है 10% ऑफ एफ ओ बी प्राइस, 10% ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ ओ बी कॉस्ट, सारे कॉस्ट हम लिखेंगे 34,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, और इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट जो कि 10% ऑन कॉस्ट है। हम कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड द 10 फ्रॉम 100, 10 डिवाइड बाय 100 तो हमें मिलेगा 0.1। एक्स प्लस 0.1 ऑन एक्स इज इक्वल टू, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे हम लोग, 34,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, टोटल एक्सपेंसेस इज 44,000। इसी पे हम 10% का जो है वो प्रॉफिट निकालेंगे, 10% तो मिलेगा 4,400। अभी हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, x की वैल्यू इज़ 1, इसमें 1 में हम 0.1 प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.1 तो हमें मिलेगा 1.1x। 44,000 में हम 4,400 ऐड करेंगे, 44,000 प्लस 4,400 तो मिलेगा 48,400। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 1.1 से, मिलेगा 44,000। एफ ओ बी प्राइस इज 44,000 जो हम लोगों का कैलकुलेशन है। x इज इक्वल टू 44,000, एफ ओ बी प्राइस इन रुपीस 44,000। फिर हम रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज इसका पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ओ बी प्राइस इन रुपीस डिवाइड बाय रेट एक्सचेंज रेट, फॉर्मूला
44,000 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है एक्सचेंज रेट इज़ 44 रुपीज़, सो हम 44 से इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 44 तो मिलेगा 1,000, जो आपका FOB प्राइस इन डॉलर है 1,000। ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।